दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। आज है 9 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों से ली गई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर देखिए, 52,000 नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती होंगे। केजी एमयू के यूपीटी बीसी कॉन 2022 में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया ऐलान, अस्पतालों संस्थानों में दूर होगी स्टाफ की कमी। तो यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने इस बात का ऐलान किया और ऐलान कई बार कर चुके हैं। देखिए नीचे अपडेट दी गई कि सरकारी अस्पताल और मेडिकल संस्थानों में नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। इसके लिए 52,000 नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ जल्द भर्ती किए जाएंगे। यह घोषणा शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे अपडेट किया गया कि विज्ञापन इसका जल्द ही जारी किया जाएगा। ज़्यादातर जो भर्तियाँ होंगी लोक सेवा आयोग से की जाएंगी। सरकारी चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के दिशा में प्रयास कर रही सरकार और मैं खुद रोज़ 5 जिलों के 10 मरीजों से बात कर रहा हूँ। ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का। उनका कहना है कि यहाँ पर जो विज्ञापन होगा लोक सेवा आयोग से जारी होंगे और जो नीचे के विज्ञापन होंगे यानी 4600 ग्रेड पे के नीचे, वो UP SSC से भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि UP SSC 4600 से ऊपर ग्रेड पे नहीं जारी करेगा, वो नीचे करेगा। 4600 के ऊपर जो ग्रेड पे होगा वो विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा। तो फिलहाल मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक अच्छा मौका है। 52,000 पदों पर जल्द विज्ञापन आएंगे, ऐसा ऐलान डिप्टी सीएम की तरफ से किया गया है। खैर बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है प्रमोशन को लेकर के, अधूरी चरित्र पंजिका ने रोकी 1031 शिक्षकों की प्रोन्नति। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति देने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने से करीब 1031 सहायक अध्यापक यानी LT ग्रेड के टीचरों की जो प्रोन्नति प्रवक्ता पद पर होनी है वो अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय ने प्रोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों की सूची लोक सेवा आयोग को भेजी, लेकिन अपूर्ण आख्या होने के कारण इसे स्वीकार नहीं की गई। 8 विषयों के इन शिक्षकों की भेजी गई सूचना में कई की चरित्र पंजिका 5 साल से भी कम है, जबकि 10 वर्ष की होनी चाहिए। इसी तरीके सूची क्रम में भी नहीं है, क्रम में जो छूट गए उनका कारण भी नहीं दर्शाया गया है, आखिर उन्हें क्यों छोड़ा गया है। इन्हीं बिंदुओं को पूरा कर निदेशालय से नई रिपोर्ट मिलने को आयोग का इंतजार है। तो कुल मिलाकर के LT ग्रेड टीचर्स का जो प्रमोशन होना चाहिए ऐसी प्रवक्ता के पद पर, ये अधूरी चरित्र पंजिका के कारण अटक गई है। और ये अगर प्रमोशन हो जाते हैं तो ये मान लीजिए LT ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे और हो सकता है आने वाली भर्ती में जुड़ जाएं, लेकिन फिलहाल अभी ये मामला अटका हुआ, इस वजह से अभी फिलहाल जुड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। यूपी बीएड BTC मामले को लेकर के एक नया अपडेट आया। यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया कि साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस BTC की सुनवाई होनी है और 10 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ठीक है, यानी कल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी इलाहाबाद में और 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है। तो ऐसे में छात्रों का कहना है, जो इनके टीम लीडर है उनका कहना है कि सभी से निवेदन है कि सरकार को बीएड के पक्ष में लाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को जिताने के लिए आप सबको हर प्रकार के सहयोग के लिए आना होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर ईमेल से अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी जारी की गई थी। ठीक है, उस पर लोगों ने मेल किया, छात्रों ने मेल किया। अब आज यहाँ पर ट्विटर अभियान रखा गया है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं ये अपडेट। इसमें यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से अपडेट है, 9 अक्टूबर ट्विटर महाअभियान 9 बजे से। हैशटैग रहेगा NCTE MHRD सपोर्ट बीएड इन सुप्रीम कोर्ट SC। हैशटैग ध्यान से देख लीजिएगा और इसी हैशटैग का प्रयोग करते हुए आज सब आप सबको ट्वीट करना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बीएड को बचाया जाए। तो यहाँ पर देखिए मैटर के बारे में बताया गया कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बीएड को बचाने हेतु NCTE द्वारा डायरी नंबर 30718/2021 अथवा SLP नंबर 20743/2021 में बीएड की पैरवी करवाने के लिए यूपी बीएड छात्र संघ ने 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से ट्विटर महाअभियान रखा है। आप सभी से निवेदन है कि सुबह 9 बजे से ज़्यादा ट्वीट करें और अपनी बातें रखें। ट्वीट करते समय आपको ध्यान रखना है कि NCTE डेली को जरूर टैग करना है, ठीक है, और राहुल पचौरी 19 को भी टैग करना है,
एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनको भी टैग करना है। ठीक है, मैं हैशटैग ध्यान से देख लीजिए, हैशटैग ये ज़रूर आपको लगाना है। तो फिलहाल ये जो अपडेट यहाँ पर दी गई है, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप बीएड को बचाना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम एक दो ट्वीट ज़रूर करें, और जो भी अन्य लोग ट्वीट करते हैं उनको रीट्वीट भी किया करें। अगली अपडेट यहाँ पर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी को लेकर के लिखा है, पीएचडी प्रवेश साक्षात्कार कल से। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी 2021 में प्रवेश की परीक्षा का परिणाम पहले जारी कर दिया था। शनिवार को विश्वविद्यालय ने पीएचडी पार्ट टाइम एवं फुल टाइम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साक्षात्कार और प्रपत्रों की जाँच का कार्यक्रम जारी किया है। कार्यक्रम में विषयवार साक्षात्कार, प्रपत्रों की तारीख और जांच तारीख और समय निर्धारित किया। ये जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साक्षात्कार का कार्यक्रम दिया गया है, पार्ट टाइम में कब कब होना है साक्षात्कार, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। फुल टाइम में यहाँ पर जो है पूरा दिया गया, तो जो भी अभ्यर्थी संबंधित है वो देख लें और निर्धारित समय में साक्षात्कार में उपस्थित हों। बात कर लेते हैं बीएड काउंसलिंग को लेकर के, पहले चरण में छूटे विद्यार्थी अब दूसरे चरण में ले पाएंगे हिस्सा। रोयलखंड विश्वविद्यालय ने पहले चरण की बीएड काउंसलिंग में छूटे प्रदेश भर के लगभग 50,000 विद्यार्थियों को राहत दे दी है। ये विद्यार्थी 10 अक्टूबर से शुरू होने जाने दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। आखिरी दिन शनिवार तक 25,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें 23,000 से अधिक कॉलेजों में सीट लॉक की गई है। आप लोग जानते हो कि पहले चरण में 75,000 विद्यार्थी शामिल होने थे, लेकिन केवल और केवल 25,000 विद्यार्थी शामिल हुए, उसमें से 23,000 को ही केवल रैंक यानी सीट अलॉट की गई है। 50,000 जो विद्यार्थी बचे हैं अब ये दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट है कि जो लोग पहली काउंसलिंग में अब काउंसलिंग ना करवा पाए हो, दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे चरण की काउंसलिंग जो प्रारंभ हो चुकी है, 18 अक्टूबर तक चलेगी, और अगर कोई अभ्यर्थी दूसरे चरण में भी हिस्सा नहीं ले पाता तो उसके लिए तीसरे चरण का जो विकल्प है वो खुला रहेगा, तीसरे चरण में हिस्सा ले सकता है। चलिए, ये न्यूज़ हो गई है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक कॉलेजों को लेकर के अपडेट है कि संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश, कामन यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड यानी CUET में शामिल अभ्यर्थियों को अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी पड़ेगी। इस बारे में प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पॉलिटेक्निक एडमिशन की बात करते हैं तो प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में 97% सीटें खाली हैं। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के सभी चरण पूरे हो गए हैं। सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेने वालों की लगातार लगी हुई है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में इंतजार है। निजी संस्थानों में मात्र 3% सीटें ही भर पाई हैं। ऐसे में वे सीधे प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को फ़ोन करके बुलाने लगे हैं। हालांकि सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में भी करीब 30% जो है वो सीटें खाली हैं। तो कुल मिलाकर के आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर, क्या हाल है प्राइवेट पॉलिटेक्निक का। मात्र 3% सीटें खाली हैं और बहुत ज़्यादा जो कॉलेज हैं वो अब ऐसे हैं जहाँ पर एक भी विद्यार्थी नहीं मिला है। ये हाल तब है जब पूरे प्रदेश के लिए 2,90,894 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। ठीक है, और इसके बाद भी देखिए यहाँ पर जो सीटें खाली हैं। यहाँ पर लिखा है, निजी संस्थान विद्यार्थियों को 0% फीस पर प्रवेश लेकर के समाज कल्याण विभाग से शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर मिलने वाली फीस बाद में विद्यार्थियों से ले लेते थे। तो इस चक्कर में कोई छात्र जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं लेना चाह रहा है। अगली अपडेट है जूनियर असिस्टेंट भर्ती की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभी जूनियर असिस्टेंट की फाइनल रिजल्ट जारी हुआ 2019 भर्ती का, और छात्रों का कहना है कि सभी बोर्डों में अन्य भर्तियों में वेटिंग लिस्ट की सुविधा मिलती है, इस वजह से इस भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। प्रतियोगी हर्षदीप चतुर्वेदी, प्रतीक पांडे, सेंटी सिंह आदि ने कहा कि आयोग ग्राम पंचायत अधिकारी की तर्ज पर सभी भर्तियों में परीक्षा परिणाम के आधार पर 25% अतिरिक्त सूची निकालनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी इसी तरह की सूची निकालता है। तो कुल मिलाकर छात्रों का कहना है कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, छात्रों ने ये मांग की है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।